प्रसंग चल रहा है। यहां पर तीन परमात्मा, तीन पुरुष, तीन प्रभु मुख्य रूप से अध्यात्म ज्ञान में रहते हैं। एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, जिसको सचिदानंद घन ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुषों की जानकारी भिन्न भिन्न है। इससे पहले थोड़ा सा और संशय निवारण करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, संसार की और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। ये 7वें अध्याय 29 में श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता ने, और 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और वो अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कर्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, मुझे उसकी जानकारी दीजिए, कि जिसको जानने के बाद साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ शक्ति है, वो सुप्रीम गॉड है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रमाण देखिएगा, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और यहाँ 29वां श्लोक है। यहाँ संस्कृत संस्कृत है इसकी। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के लिए, उस जरा और मरण से छुटकारे के लिए माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके के तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बताएंगे, उसका आश्रय करके यतनती ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा मेरे उस ज्ञान का को आधार बना कर तत्वदर्शी संत की खोज करके जो प्रयत्न करते हैं, किस लिए, जरा और मरण से छूटने का, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए, गीता ज्ञानदाता कहता जो मेरे शरण हो गए, जरा माने वृद्धावस्था मरण से यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म, ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अध्याय नंबर 7 के 30 मत इतना कहा है कि जो मुझे जानते हैं इस सब रूप में, तो वो मुझे ही जानते हैं, आगे नहीं जानते वो। अब इसके साथ ही ये है 8वें अष्टमोध्याय इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, अर्जुन वाच किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते, तो यहाँ पूछा है 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म और किमत अध्यात्म और किम पुरुष, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम उपरोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते, वह ब्रह्म क्या है, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। तो गीता ज्ञानदाता ने अब इसी गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और समर्थ है। अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सर्वपुरुष ये ज्योति निरंजन है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है,
और अक्षर पुरुष है ये सात शंख ब्रह्मांड का स्वामी, जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो, और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17, ये देखिएगा इसके नीचे से पढ़ा 16वां यहाँ श्लोक है। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर सर च अक्षर है एव च, इस लोक में दिवौ माने दो, पुरुषौ माने परमात्मा, वेल नोन है, कौन सर्पुरुष कहो अक्षर पुरुष कहो, इस पुरुष को हम यहाँ दो जगह लगा सकते हैं, सर्पुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो सबका गधे की भी नहीं मरती। यहाँ अनुवाद देखें, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं, एक सर्पुरुष एक अक्षर पुरुष, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब सत्रह में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य इन दोनों से, इस सर और अक्षर से, ये दो पुरुषों से अन्य है, उत्तम पुरुष है तो अन्य और परमात्मा इति उदारते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक त्रयम आविश्य विवर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवे ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, इन दोनों से सोल में श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके इस संसार रूपी वृक्ष से सब पूरे संसार रूपी वृक्ष को यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है, यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है, वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहाँ फिर देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्वज्ञानहीन 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में, अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहाँ अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। नहीं, यहाँ तो इसने ये कहा कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक वेद के आधार से यानी दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो तो कोई और है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, बस इतनी सी बात है। ये देखो इसका यहाँ अनुवाद है गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18, क्योंकि मैं, इसका अर्थ है यस्मात् सर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम उत्तम है, अतः अस्मि लोके वेदे, लोके वेदे माने लोक वेद में दंत कथाओं के आधार में मैं पुरुषोत्तम प्रथित माने प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ, और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब यहाँ इसने क्या कहा है, यदि ये और साथ में श्लोक आपको ना सुनाए जाते तो यहाँ आपकी बुद्धि नहीं सेट होती। ये कहता कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, क्योंकि यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसको सर्पुरुष भी कहते हैं, तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे तो नाशवान जड़ वर्ग है और चाहे अविनाशी जीवात्माएं हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, इसलिए इस दंत कथा के आधार से लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया कोई और ही है,
और फिर आठवें अध्याय के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।